डीजल का रेट बढ़ा है, धान रोपाई में इसकी बहुत समस्या आ रही है। सबसे ज़्यादा डीजल का खर्च होता है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम क्या करेंगे, किसान तो मर जाए। डीजल जो है 90 रुपये लीटर है, बताओ, और 9 रुपये 10 रुपये किलो धान बिकेगा तो कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। आखिर किसान करे तो करे का, हम करी तो करी का जी, कैसा हालत इतनी बदतर हो चुकी है। हमने किसान से पूछा, भैया धान रुपाई का क्या सीन है। उसने जवाब दिया, 90 रुपये लीटर डीजल खरीद करके 9 रुपये किलो धान बेचेंगे, इससे अच्छा है खेती ना करें। यही हालात रहे तो एक दिन खेती छोड़ करके मजदूरी करनी पड़ेगी। नमस्कार, गांव कंठन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरविंद शुक्ला है। इस वक्त खरीफ का सीजन है और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में धान की रुपाई चल रही है, लेकिन जो किसान है वो धान की रुपाई से पहले 2 बार सोच रहे हैं कि खेती करें कि ना करें, क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया है। पिछले साल जो डीजल धान की रुपाई के समय में 65 से 70 रुपये लीटर था, वो आजकल 90 रुपये लीटर बिक रहा है। पेस्टिसाइड महंगे हुए हैं, मजदूरी महंगी हुई है। किसानों का कहना है कि इस तरह की महंगाई में उनको क्या मिलेगा। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में देखें तो जो धान की MSP है वो करीब 72 रुपये पर क्विंटल बढ़ी है, लेकिन जो डीजल है वो कम से कम 25 रुपये लीटर महंगा हो गया है। पिछले साल धान की जो MSP थी वो 1868 रुपये क्विंटल थी, लेकिन कई राज्यों में ज़्यादातर किसानों ने जो अपनी जो फसल थी वो 800 से 1200 रुपये पर क्विंटल बेची थी, यानी लगभग आधे में। ऐसे में किसानों का कहना है कि उनको इस फसल से क्या मिलेगा। धान की रुपाई के सीजन में गांव कृषण ने कई राज्यों के किसानों से बात की, देखिए वो क्या कहते हैं। जो डीजल का रेट बढ़ा है, धान रुपाई में इसकी बहुत समस्या आ रही है। सबसे ज़्यादा डीजल का खर्च होता है, वो चाहे पानी का हो चाहे जुताई का हो। इसी तरह रहा महंगाई, मतलब इतनी है ज़्यादा, लेबरी भी ज़्यादा लग रही है और डीजल का रेट ये है, तो खेती कैसे हो पाएगी। इस बार जो है धान का रकबा कम है, हर बार जो है हम 10-12 किलो जो है धान का जो है बीज लाते थे, मगर इस बार जो हम केवल 8 किलो किए हैं। क्यों, क्या करें, डीजल जो है 90 रुपये लीटर है बताओ, और 9 रुपये 10 रुपये किलो धान बिकेगा तो कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। पिछले साल हमने 65 बीघा धान की रुपाई किया था, इस बार खाद भी महंगी है, डीजल भी महंगा है, मजदूरी भी महंगी है, तो लगाने का कोई जो विकल्प बचा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ बस ये है, खाने पीने भर का जो है 15 से 20 बीघा लगा लिया जाए, बाकी कोई मतलब है नहीं लगाने से। डीजल का किसानों के लिए बहुत तगड़ी दोहरी मार के लेके आया, क्योंकि डीजल डे बाई डे बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड कीमत बढ़ रही है, क्रॉप का उपज तो बढ़ती नहीं है, तो इसलिए किसान जो है केमिकल का, फर्टिलाइजर का और डीजल का पैसा निकाल करके अपना खाने पर जैसे तैसे सर्वाइव कर सकता है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा यदि यही हाल रहा तो। धान भैया नहीं लगाया है ना, सुन, इतना महंगाई में सीधी बिजाई कर दिया है गेहूँ तना, मत पानी थोड़ा कम लगा है, कुछ बचत होगी। खेत में पानी चालू करते हैं, 8 घंटा की लाइट, जिसमें 1 घंटे बाद पुणे पानी सूख गया, लाइट 8 घंटा कुल मिलती है, खेत सूखा पड़े हैं, कुछ बुवाई नहीं हो रही, लाइट की परेशानी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम क्या करेंगे, किसान तो मर जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही कि डीजल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जुताई दिन ब दिन बढ़ रही, बीज बढ़ रहा है, समर्थन मूल्य में 10-25 रुपये की बढ़ोतरी होती, किसान के पास कितनी बड़ी समस्या है। किसान मरे कि जिए, हमारा पचन के इतनी ग्यामन, इतनी परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं, पानी गिर नहीं रहा, या तो प्रकृति की समस्या है। तो गवर्नमेंट के तरफ से समर्थन मूल्य में 10-20 रुपये 50 रुपये बढ़ावा थे, यह नहीं कि 100-200-400 रुपये बढ़ावे ताकि किसान जिंदा रह सके। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा डीजल इंजल का रेट कम करें, भाई सब्सिडी दें, जैसे BJP भी दे रहे हैं, डीजल भी दे रहे हैं कि सब्सिडी, लेकिन इतना हाई कमांड पर हो गया है डीजल की, क्या लोग खेती करेंगे।